टुंगुस्का घटना, टुंगुस्का इवेंट। टुंगुस्का घटना एक रहस्यमयी विस्फोट था जो 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र में हुआ था। यह घटना इतिहास की सबसे बड़ी और रहस्यमयी प्राकृतिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस घटना ने हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जंगलों को नष्ट कर दिया और आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। घटना का विवरण, विस्फोट का समय और स्थान, तारीख 30 जून 1908, स्थान फोर्ट कमेनिया टुंगुस्का नदी के पास, साइबेरिया, रूस। विस्फोट ने लगभग 2150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ों को गिरा दिया, जिससे एक विशाल विनाशकारी क्षेत्र बना। विस्फोट की तीव्रता, विस्फोट की तीव्रता लगभग 10-15 मेगाटन टीएनटी के बराबर थी, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। विस्फोट का ध्वनि प्रभाव लगभग 1200 किलोमीटर दूर तक सुना गया और इससे उत्पन्न भूकंप का प्रभाव भी दूर दूर तक महसूस किया गया। भाव, विस्फोट ने हजारों पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका और इस क्षेत्र के सभी जीव जंतुओं को नष्ट कर दिया। विस्फोट के बाद उत्पन्न हुई धूल और धुआं वायुमंडल में फैल गया, जिससे रात को भी आकाश में रोशनी देखी जा सकती थी। संभावित कारण, उल्कापिंड या धूमकेतु। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विस्फोट किसी बड़े उल्कापिंड या धूमकेतु के वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण हुआ हो सकता है। जब यह वस्तु वायुमंडल में उच्च गति से प्रवेश करती है तो अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण विस्फोट होता है, एयरबर्स्ट, एयरबर्स्ट। यह भी संभव है कि उल्कापिंड या धूमकेतु पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही वायुमंडल में फट गया हो, जिससे यह विस्फोट हुआ। अन्य सिद्धांत, कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि यह घटना किसी असामान्य भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के कारण हो सकती है। वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन। अनुसंधान दलों द्वारा अध्ययन 1927 में लियोनिद कुलिक द्वारा आयोजित पहला वैज्ञानिक अभियान टुंगुस्का क्षेत्र में किया गया था। विभिन्न शोध दलों ने क्षेत्र का दौरा किया और विस्फोट के निशानों का अध्ययन किया। आधुनिक तकनीक और सिमुलेशन। आधुनिक तकनीक और सिमुलेशन का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि विस्फोट कैसे और क्यों हुआ। सैटेलाइट इमेजरी और कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग करके विस्फोट की स्थिति और कारणों का अध्ययन किया गया। निष्कर्ष, टुंगुस्का घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इसके पीछे का सही कारण अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। हालांकि कई सिद्धांत और अध्ययन हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वास्तव में यह विस्फोट कैसे और क्यों हुआ। इस घटना ने विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि हमारे ग्रह पर कितने रहस्यमय और अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विज्ञान, इतिहास, रोचक घटनाएं और अद्भुत स्थानों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद।